सो हे गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू राइट नाउ वाचिंग अ गूगल ट्रिक्स व्लॉग। और दोस्तों, अब तक आज मेरा सबसे बड़ा पार्सल जो है वो आने वाला है। मतलब इतना बड़ा कि आप सोच सकते हो मुझसे भी ज्यादा जो है वो पार्सल बड़ा है, और उससे मैं अपने चैनल में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने वाला हूं। अब आपको और भी जो है वो अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो देखने को मिलेगा। तो आखिर क्या पार्सल है जो भाई मुझसे भी बड़ा है, आपको सारा चीज आज के इस ब्लॉग में जो है वो पता चलेगा। थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन भी जो है वो आया कि बस वो पहुंचने ही वाले, एंड आई एम सो एक्साइटेड यार वो पार्सल रिसीव करने के लिए। और सबसे ज्यादा कि मुझे तो डर लग रहा है कि उतना बड़ा पार्सल जो है वो मेरे छोटे से घर में अंदर आ पाएगा या नहीं, बिकॉज मुझसे भी बड़ा है, समझ रहे हो आप। तो चलिए देखते हैं और अंदर लाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ आ रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली हमारा पार्सल जो है वो आ चुका है यार। तो चलो, बाबा रे कितना बड़ा है। मेरा घर है छोटा सा और इतना बड़ा है। जानता भाई, शुभेंदु का फोटो ही फेस दिखता ही नहीं है इसमें। फेस कट जाता है। शुभेंदु का हालत ही खराब है। उसका मशक्कत के बाद इस साइड में लगाना है। अच्छा, वो 86 वाला नहीं मांगा नहीं घुसता 86 वो उधर ही रह जाता, फिर खोल के भी नहीं आता वो 86 वाला। बालकनी से घुसाना पड़ता है, सोफा उधर ही से घुसा, ये सोफा नहीं घुस रहा था नीचे से। मेन बात है वो राउंड पे जगह नहीं था, इसीलिए कंजेस्टेड है। घर बहुत पुराना जमाना का है। So guys, पूरा जो है वो मार्किंग जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। जब सारा जो है वो सेट हो जाएगा उसके बाद हम पेपर को हटाएंगे और उसके बाद जो है वो आप लोगों के सामने रिवील करेंगे कि आखिर मैंने ऑर्डर किया क्या है और इसका मेरे YouTube चैनल में आखिर क्या काम है। एक तरह से आप इसको जो है इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल में इन्वेस्ट किया ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छा वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं और आपको और भी अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो क्या है, वीडियो में बने रहे, पता चल जाएगा। इसी से फिटिंग होगा ना, हिलेगा नहीं ना बाद में, हिलेगा मतलब हम लोग उसको ऐसा टाइप करेंगे कि हिले नहीं। हाँ, हिलने का संभावना पूरा बना हुआ है पर हम लोग उसको हिलने नहीं देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको शिफ्ट करना होगा फिर कहीं, तब तो ये पूरा निकलेगा, ये ब्रैकेट निकालवाना सिंपल। ये है जो टीवी टंग था घर में, सेम कॉन्सेप्ट है, ये लगा इधर और ये है यहाँ पे आपका हुक, बस इसमें टंग जाएगा और इसमें कोई, क्योंकि हो सकता है कि हम धनबाद में शिफ्ट होंगे तो फिर लेकर के जाएंगे। हाँ, तो वो अभी हम लोग जो लगा रहे हैं ये हो जाता है आपका खुलने वाला स्क्रू है, ये हम हाँ। नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आता है जब यूज कीजिएगा ना, हिलेगा हाँ। ये लूज हो जाएगा, तो हम लोग फास्टनर यूज करते हैं, तो हम लोग दूसरा डालेंगे, वो एक ही बार यूज होता है। एक उंगली का सपोर्ट, बाप रे, बजरंग बली बस। अच्छा, मतलब इसको चाहेंगे तो हल्का सा हम लोग इधर कर सकते हैं। हाँ, इसको खिड़की खोलने के ऊपर करना होगा तो बताइए ना हमको। देखिए वो जो है ना 3 इंची जगह है, उसमें हाथा हटा के तो देख रहा हूँ, है ना, तो वो मतलब इतना इधर आ सकता है और उधर भी जा सकता है। ऊपर ऊपर ये चैनल खोलना होगा पूरा, इसको नीचे उतारना होगा चैनल। अच्छा, को खोल के ये जो पीछे दो लगा हुआ है ना, उसको टेस्ट कर लेंगे। तालियां होने चाहिए। सो गाइस, अब फाइनली आपको जो रिवील करते हैं, ये है मैक्सब का डिजिटल बोर्ड, ठीक है। तो इसको मैंने मंगाया है अपने मेन चैनल गूगल ट्रिक्स के लिए। मेरे गूगल ट्रिक्स पे 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं।
शानदार क्वालिटी मैक्सा एजुकेशन. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. छोटा सा गड़बड़ ये है कि वाईफाई कैसे सेट करना मिल ही नहीं रहा है. अब हम लोग तो सब परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते. The next day. So finally guys, हमने जो है वो सेटअप यहाँ पे जो है वो कर दिया अपने डिजिटल बोर्ड को. अब देखो यहाँ पे साउंड भी हो गया, वाईफाई भी हो गया, ब्लूटूथ हो गया, हर चीज हो गया. और आपको जो ना ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा हो सकता है वीडियो, बट लिटरली बहुत बड़ा है ये. देखो मेरा मतलब दोनों हाथ भी ऐसे करके करूंगा ना तो भी जो है वो छोटी जो है वो पड़ जा रही है. लेकिन इसमें मेरे के साथ एक प्रॉब्लम भी हो गया यार, स्कैम बोल लो या क्या बोल लो, मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले कितना मजेदार है यार, देखो मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जो क्लिक करता हूँ, ये देखो ब्राउजर जो है वो इतना सारा मैंने खुद खुल गया हमारा हर एक चीज का. और सबसे ज्यादा अच्छी चीज इसका नोट पैड, ये मैं देखो नोट पैड इसका खुद खोला. वेलकम टू नोट. अब इसको मैं यस कर देता हूँ. ये मैंने लास्ट डे वीडियो जो है वो शूट किया था, हट गया. तो ये देख सकते हो ये हो गया पूरा नोट पैड. अब यहाँ पर मैं जो हूँ कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है. इसका बहुत सारा जो खासियत है, जैसे रूलर में करूंगा ना तो मैं कोई रूलर ला सकता हूँ, या कोई शेप में अगर मैं जाता हूँ तो देख सकते बहुत सारा शेप मेरे को देखने को मिलेगा. 3D शेप भी बहुत सारा मुझे मिलेगा. बस यहाँ पे एक बार क्लिक करके ऐसे करूंगा, ये देखो शेप आ गया. तो हालांकि ये सब तो मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का क्या है वो मेरे आपको मेन चैनल गूगल ट्रिक्स पे जो है पता चलेगा, ठीक है. तो ये देख सकते हो यही है हमारा कुछ जो है वो बोर्ड. और मैंने इसको अब बात रहा कि क्यों लगाया है इस बोर्ड का, मेरे चैनल पे इसका क्या काम. तो मैं अभी जो हूँ आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारा फाइनेंशियल टिप्स दूंगा जिसको यूज करके अब आप जो है सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करके तो आप पैसे कमाते ही हो ऑफकोर्स. बट अब मैं जो अपने मेन चैनल में बताऊंगा गूगल ट्रिक्स पे, वो ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हो, कहां पर आप बिना इन्वेस्ट करे किस प्लेटफॉर्म में साइन अप करने पे आपको ह्यूज अमाउंट मिलेगा. तो वो सारा चीज के लिए बोर्ड का जरूरत है, इसलिए मैंने 2,00,000 रुपए फूंक दिया भाई आप लोग के लिए. तो यार इस बात पे तो लाइक करना बनता है, तो लाइक करो. साथ में मैंने थोड़ा सेटअप भी किया, ऊपर में देख सकते हो ये लगा दिया मैंने. और आज ये सेकंड डे है. प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे को बताया गया था कि इसके साथ मुझे OPS मिलेगा, ठीक है. OPS क्या होता है कि अभी ये एंड्रॉइड में चल रहा है, ठीक है. OPS अगर मैं लगा दूंगा तो ये कंप्यूटर जैसा चलेगा, ठीक है. मैं कंप्यूटर जैसा इसको पूरा यूज कर सकता हूँ, और वो काफी ज्यादा कॉस्टली मुझे बताया गया था कि इसके साथ मिलेगा, बट वो मुझे मिला नहीं, ठीक है. तो उसका जुगाड़ किया जा रहा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा यार. तो स्कैम एक तरह से कह सकते, तो स्कैम मैं कैसे लिखूंगा ऐसे. हालांकि अभी तो राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे सुधार लेंगे. तो आई होप आपके वीडियो का ज्यादा पसंद आएगा. पसंद आया तो लाइक करना, और ये बोर्ड वाला अर्निंग कैटेगरी का चैनल देखने के लिए मेरे गूगल ट्रिक्स को जाओ सब्सक्राइब कर लो. और मिलते इसी तरह किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम.